नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या हम रीट की वैकेंसी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में प्रमोट किए गए हैं, साथ ही जो बीएचटीसी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो भी प्रमोट किए जाएंगे। दोस्तों ये आपको सब बता दूँ, दोस्तों आपके जो बीएचटीसी फर्स्ट ईयर के हैं वो छात्र प्रमोट किए जाएंगे। इसको लेकर मैं चैनल पर डेली आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ और चैनल पर वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो आप अगर वीडियो नहीं देखी है बीएचटी फर्स्ट ईयर प्रमोट की, तो आप वीडियो देख लेना, आपको भी प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर और बीएड फर्स्ट ईयर वालों को पहले ही प्रमोट कर दिया गया है दोस्तों, रही बात बीएचटीसी के जो फर्स्ट ईयर के फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, तो फॉर्म तो अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तभी आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि जो आपकी मार्कशीट बनेगी फर्स्ट ईयर की वो आपकी फॉर्म के आधार पर ही बनेगी। तो ऐसे में आपको प्रमोट किया जाएगा और बीएड फर्स्ट ईयर वालों को पहले ही प्रमोट कर दिया गया है दोस्तों। तो क्या प्रमोट होने वाले जो स्टूडेंट है वो रीट की वैकेंसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, आपकी जो रीट की वैकेंसी जैसे निकलती है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर या बीएचटीसी फर्स्ट ईयर आपने कर ली है और आप सेकेंड ईयर में प्रवेश ले चुके हो, तो आप जो रीट की वैकेंसी की जो परीक्षा है वो दे सकते हैं। अपेयरिंग से आपका जो फॉर्म है रीट का वो भर जाता है। तो आपकी जो रीट की वैकेंसी दोस्तों आने वाली है अभी कुछ दिन बाद, आपकी अक्टूबर के लास्ट तक आपकी जो वैकेंसी को लेकर तो सारी अटकलें हैं वो सामने आ जाएंगी दोस्तों। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने साफ कहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक हम आपकी जो रीट की वैकेंसी दे देंगे। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं और बीएचटीसी फर्स्ट ईयर वाले हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त रहता है दोस्तों कि आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर है, जो बीएचटीसी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उनका, जो ऐसे ही आप सेकेंड ईयर में आ गए मान लो, तो आपकी जो रीट की आप परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का या बीएचटीसी सेकेंड ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो रीट की रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए। जैसे हमने मान लो रीट की परीक्षा दे दी, लेकिन आप बीएड या बीएचटीसी फर्स्ट सेकेंड ईयर कर रहे हो और आपका जो रिजल्ट है रीट के बाद आता है, तो आप परीक्षा के लेवल नहीं माने जाएंगे। आप एग्जाम तो दे सकते हैं लेकिन आपकी उसमें भर्ती नहीं मानी जाएगी। अगर आपका जो रिजल्ट है बीएचटीसी या बीएड का सेकेंड ईयर का आ जाता है, तो जो डिप्लोमा या डिग्री है वो आ जाती है, तभी आप रीट की वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। आप परीक्षा तो दे सकते हैं लेकिन आपकी जो काउंसलिंग होगी, आप जो रीट के लिए अप्लाई करेंगे या जो एग्जाम देंगे, तो उसमें आप भाग नहीं माने जाएंगे दोस्तों। आप सिर्फ परीक्षा दे से पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाता है तो आपको, अगर वाई चांस आपका रीट में नंबर आ जाता है तभी आप उसको जॉब ले सकते हैं, वरना आप जॉब नहीं ले सकते हैं, सिर्फ परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपका जो बी एड या बी एस टी सी सेकेंड ईयर है, अगर आपका जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है दोस्तों, तो ऐसे में आप जो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, तो आप रीट की तो परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपका जो बी एड सेकेंड ईयर का या बी एस टी सी सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आ जाना चाहिए रीट के रिजल्ट से पहले, ये साफ साफ लिखा रहता है दोस्तों। ऐसे में अब आपकी रीट की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, ऐसे में देखना होगा कि क्या जो रीट में बी एस टी सी फर्स्ट ईयर और बी एड फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रखा जाता है। जैसे ही आपकी जो वैकेंसी आएगी रीट की, मैं आपको सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट करूंगा। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।